नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर HSC के द्वारा दो जो महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई हैं, और अगर आप इन दोनों अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है ये जारी करते रहते हैं। तो आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, एक अखबार की जो एक कटिंग है, HSC जो अब लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र अब 3D चश्मे से पढ़ा जाएगा। तो HSC जो ये परीक्षा लेगा इसमें अब 3D चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि नकल रोकने पेपर लीक रोकने के लिए कर्मचारी चयन आयोग के पास कई विकल्प हैं। तो ग्रुप डी मेन वेटिंग के बारे में सरकार ने आयोग को कुछ नहीं भेजा है, लेकिन क्लर्क वेटिंग के अभी 16 विभागों ने आयोग के पास पद नहीं भेजे हैं। तो जो इनसे जो यहाँ पर खाली पद मांगे गए थे वो अभी तक जो है नहीं भेजे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मेरिट पर चयन करने के लिए अपनी मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब प्रश्न पत्र भी 3D चश्मे के साथ पढ़ने के विकल्प पर जो सोच रहा है। पेपर लीकेज और नकल रोकने के लिए चश्मे के विकल्प के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। अभी अंतिम फैसला होना है, मगर परीक्षा के अनुसार ये विकल्प अलग अलग अपनाए जा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने, पेपर लीक होने से रोकने, नकल रोकने के लिए आयोग विचार कर रहा है कि प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग इस तरह से कराई जाए कि वह केवल 3D चश्मे के साथ ही पढ़ा जा सके। उन्होंने बताया कि बिना 3D चश्मे के प्रश्न पत्र नहीं पढ़ा जा सकेगा। यह चश्मा हर उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर मुहैया कराया जाएगा, और बताया कि इसका मतलब कि प्रश्न पत्र जिसके सामने होगा परीक्षार्थी उसे ही चश्मे से पढ़ पाएगा। और इसमें क्या कहा गया है कि प्रश्न पत्र 1 से 4 प्रकार के छपवाए जा सकते हैं, और प्रश्न 25-25 प्रश्नों के 4 अलग अलग सेट भी हो सकते हैं। तो और इसमें क्या कहा गया कि नहीं बदल जाएगा कोई ऑप्शन, कि पटवारी कहना पटवारी और ग्राम सचिव के कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से आग्रह किया कि कुछ उम्मीदवारों ने फार्म भरते समय गलती से कैटेगरी भर दी है। उदाहरण देते हुए बताया कि उम्मीदवार जनरल है मगर दूसरी कैटेगरी जल्दबाजी में भर दी, और उन्होंने आग्रह किए कि उन्हें यह गलती सुधारने के लिए आयोग से 2 घंटे विंडो खोलने का समय दिया जाना चाहिए। इसी सवाल पर अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जो कैटेगरी भर दी गई है उसे बदला नहीं जाएगा, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसा कर भर्ती एजेंसियाँ कुछ उम्मीदवारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करती है, इसलिए फार्म को ध्यानपूर्वक भरा जाना चाहिए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि पटवारी कैनल पटवारी ग्राम सचिव पदों के लिए आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि ठीक करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर पहला नोटिस था, जो अब हम यहाँ पर जो दूसरा जो नोटिस आया है उसको देखेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर दूसरा नोटिस है, इसमें भी आप देख सकते हैं HSC खबरदार, OMR सीट खाली छोड़ने वाले उम्मीदवार CID जांच की जद में आए। तो कुछ कैंडिडेट क्या है OMR सीट को खाली छोड़ कर आ जाते हैं, तो उन पर जो सरकार की नज़र रहेगी। आप यहां पर इसमें देख सकते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सरकारी नौकरियों को भर्ती में लगातार पारदर्शिता बरतने पर काम कर रहा है, मगर अभी भी कुछ उम्मीदवार इस ताक में हैं कि शायद कोई जुगाड़ लग जाए। पिछले दिनों पूर्व सिपाही पद की लिखित परीक्षा में आंसर की और प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद गिरोह के सदस्यों, कोचिंग सेंटरों के संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और सरकार ने कानून भी बनाया, मगर अभी भी समाज कुछ लोग बहकाने फुसलाने में जुटे हैं। जिन उम्मीदवारों ने आयोग की परीक्षा में अपनी OMR सीट खाली छोड़ी है वे CID जांच की जद में आ गए हैं। CID ने इन उम्मीदवारों से पता लगाएगी कि आखिर किसके कहने पर उन्होंने OMR सीट खाली छोड़ी, क्या उन्हें किसी ने लालच या भरोसा दिया था, कि क्या उन्हें किसी ने उम्मीद बंधाई थी। OMR सीट खाली छोड़ देना ताकि बाद में उसे भरा जा सके। आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों को नाम पता मोबाइल नंबर समेत पूरी जानकारी हरियाणा CID को भेज दी है, और CID ने शनिवार से ही काम शुरू कर दिया है। तो उम्मीदवार जो है यहाँ पर ये OMR सीट पर कोई कटिंग मत करे खर्च, और ना ही उसे जो है किसी न के लिए चीज़ से खुर्चे, और ना ही जो है वाइटनर जो फ्लोर जो होता है उसका प्रयोग करे। आयोग के अध्यक्ष ये जो भोपाल सिंह खदरिया, इन्होंने दैनिक सवेरा के माध्यम से उम्मीदवारों को आग्रह किया है कि OMR सीट पर प्रश्नों के उत्तर देते समय विकल्पों के आगे जो गोलदारा भरा जाता है उस पर कटिंग मत करें। कुछ उम्मीदवार दूसरे विकल्प को गोलदारा भर देते हैं और पहले वाले गोल दायरे को खुर्च देते हैं या कटिंग कर देते हैं या उस पर वाइट फ्लोर लगा देते हैं,
ये आप टेपरिंग करते हैं, तो ऐसा मत करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करते ही उनकी उम्र सीट रद्द हो जाती है, चाहे अन्य सभी पर्सन ठीक क्यों ना हो। नियमानुसार ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाती है और वे सोचते रहते हैं कि उनकी परीक्षा तो ठीक हुई थी, मगर वास्तविकता में उनकी उम्र सीट का आंकलन ही नहीं होता। अध्यक्ष ने बताया कि गोल दायरा भरते समय विकल्प ध्यानपूर्वक चुने, अगर गलत विकल्प चुन लिया गया है और बाद में सही विकल्प का पता चलता है तो पहले गोल दायरे के साथ छेड़छाड़ मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्सन का अंक नहीं जुड़ेगा। अगर टेम्परिंग की तो पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाएगी, तो इसलिए आप जो उसमें कोई कटिंग ना करें। तो ये जो है यहाँ पर तो आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।